आपको ये देखना है कि कंपाउंड यूज कितना हो रहा है, वो आपको यूज करना पड़ता है 100 से 120 ग्राम। बट जो हम कंपाउंड तैयार करते हैं और आपको बताते हैं कि कभी जाफरानी जर्दा आप मिक्स कंपाउंड से कभी मत बनाइए, क्योंकि जाफरानी जर्दा जो बनता है उसमें कोटिंग किया जाता है, मीन्स आप उसमें रोज़ वाटर किमाम के साथ एक कोट करना है, मैंथॉल भी उसमें यूज करना है, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो हाय, मैं मानवेंद्र यादव स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाइज कि किस तरह से जाफरानी जर्दा तैयार करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी में ज़्यादातर जैसे बागवान 138 वगैरह जो जर्दा आते हैं, रत्ना 300 वगैरह, तो ये गम कोटेड टोबैको रहता है। गम कोटेड एक प्रोसेस होता है जो तैयार मिल जाता है 10-5 रुपये पर केजी का, उसमें रेट बढ़ता है सादा पत्ती से, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी में उसी को यूज किया जाता है गम कोटेड को। तो अभी हमने सादा पत्ती ली है, गम कोटेड का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जस्ट मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो एक वेट के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो अभी इसमें जो कोट करेंगे हम, यह है रोज वाटर। और रोज वाटर के साथ ये देखिए, यह है मैंथॉल, यह है मैंथॉल। रोज वाटर, मैंथॉल प्लस ये है किमाम, मसाला किमाम। मसाला किमाम काम करता है कि आपका जो जर्दा है उसका जो टेस्ट है, क्योंकि मसाले किमाम में सारे जो मसाले हैं वो मिक्स रहते हैं, मसाले प्लस जड़ी बूटियाँ, जिससे कि काफ़ी टेस्ट बनता है। तो अभी मैं आपको इंस्टेंटली प्रोसेस करके दिखाऊंगा पूरा, बट जो कंपनी का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इसको किमाम और रोज़ वाटर के साथ में पहला जो कोट किया जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है कुछ 3-4 घंटे के लिए। उससे क्या होता है कि जो रोज़ वाटर के साथ में गंध चला जाएगा टोबैको का, प्लस रोज वाटर के साथ किमाम मिलके, मैंथोल मिलके ये टोबैको में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। काफ़ी प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, फॉर्मुलेट करना पड़ता है चीज़ों को, पहले फॉर्मुलेट किया जाता है, उसके बाद में फिर कंपाउंड भी तैयार किया जाता है। कंपाउंड में भी काफ़ी मेहनत रहती है, इस तरह से ये पूरा होता है। हमने मेहनत से काफ़ी जो कंपाउंड है वो लगभग सारे कंपाउंड जो हैं वो उनका टेस्ट स्मेल अच्छा बना रखा है। तो इस तरह से अब ये इसको 3-4 घंटे के लिए कंपनी प्रोसेस के हिसाब से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कभी भी किमाम के साथ में कंपाउंड को यूज़ कभी मत करिए, वरना जो किमाम है वो कंपाउंड को खा जाएगा, उसका टेस्ट जो है स्मेल वो मिक्स हो जाएगा किमाम के साथ में, तो परफेक्ट जो कंपाउंड है वो काम कर ही नहीं सकता है। देखिए, ख़ास बात बताऊँ दोस्तों कि मेन जो आप इसमें यूज़ करेंगे, हम आफ्टर 4 आवर, अभी मैं इंस्टेंटली दिखा रहा हूँ, आफ्टर 4 आवर इसमें यूज करना है आपको ग्लिसरीन। ये सारे जो आइटम इसमें यूज होते हैं वो फूड ग्रेड होते हैं, पैराफिन, एक अच्छा जर्दा बनाने के लिए प्रीमियम क्वालिटी में 3 बार भी कोट करना पड़ता है कुछ घंटे का गैप देके। ये है कंपाउंड,
दोस्तों खास बात हर प्रोडक्ट की, चाहे ये टोबैको हो गया जर्दा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसका मेन है कंपाउंड प्लस फॉर्मूलेशन। दोनों ही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। कंपाउंड अच्छा हो, आप फॉर्मूलेशन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से, तब आप उसको सही नहीं बना सकते हैं। मैचिंग के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हो, तो उसी तरह हर प्रोडक्ट का एक अपने में परफेक्ट फॉर्मूलेशन के साथ एक अहम रोल होता है कि परफेक्ट हर चीज़ का, इसमें टेस्ट कहीं कमी तो नहीं आ रही, स्मेल है परफेक्ट आ रही है, टेस्ट परफेक्ट आ रहा है, कहीं कड़वाहट तो नहीं आ रहा, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा, नशा तो नहीं हो रहा प्रीमियम क्वालिटी के जर्दे में, तो सारी चीज़ों को मेंटेन रख के किया जाता है। मेंथॉल कितना है, ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, तब जाके जो प्रोडक्ट है वो एकदम परफेक्ट रेडी होता है। किसी चीज़ को सेट करना वो बड़ी बात होती है, उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं चीज़ों को सेट करने के लिए, आप एकदम तत्काल से चीज़ों को तुरंत नहीं बना सकते हैं। तो इसको टाइम देके, इसमें ये दूसरा कोट हो गया, अब इसमें जो तीसरा कोट है कुछ घंटे के बाद इसमें तीसरा भी कोट किया जाता है कि आपका जो कंपाउंड है प्लस मैंथॉल है और पैराफिन के साथ यूज करके। आईपी ग्रेड आइटम होते हैं ये सारे, फूड ग्रेड आइटम होते हैं। अगर कॉमर्शियल लेंगे तो उसमें स्मेल आएगा और चीज़ों के साथ, कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट भी करते हैं, इसलिए हमेशा यूज करिए आईपी ग्रेड आइटम्स जैसे पैराफिन वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इस पर थोड़ी सी टोबैको ऊपर से डालेंगे, और इसको दबा देंगे ऐसे। ये सिल्वर पक जो है वो सबसे लास्ट में लाया जाता है, जब पूरा मिक्स हो जाता है टोबैको, तो एंड में जो टोबैको को रख के वर्कर लोग उस पर पूरा टोबैको को फैला के सिल्वर पक लगाते हैं, देन इस तरह से पूरा ये मिक्स हो जाता है। तो देख सकते हैं ये आपका जो जर्दा है वो बनके तैयार है। रखिए कंपाउंड हमेशा अलग से यूज़ करें, कभी मिक्स बाल्टी यूज़ ना करें, हम किसी को भी प्रेफर नहीं करते हैं। उससे आप काफ़ी सस्ती क्वालिटी बना सकते हैं, आपको अगर सस्ता मिल रहा है बहुत ही चीप रेट में, तब आप उसको यूज कर सकते हैं सस्ती क्वालिटी बनाने के लिए, क्योंकि वो महंगा भी पड़ता है, सबसे महंगा भी पड़ता है जो मिक्स जो कंपाउंड आता है। आप अलग अलग से यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग कम में आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।